हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक। मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। सो गाइस, आज की खबरें बहुत ज़्यादा होने वाली है एंड सच कहूं बीच बीच में इतनी खबरें हैं कि बीच बीच में मुझे प्यास भी लगने वाली है। एंड वन मोर थिंग, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत शोर आएगा, उस चीज़ के लिए प्लीज़ थोड़ा सा माफ़ कर देना। मैं उनको नहीं कह सकता कि मत खेलो ये वो, बिकॉज वो उनका काम है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। बाकी जो वीडियोज थी मैं रात को शूट करता था, तो उस रीज़न से वो शोर नहीं आता था। अगर थोड़ा वो शोर आपको अगर माइंड करता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे कंट्रोल में वो नहीं है। बाकी आई एम कंट्रोलिंग कि कम से कम आवाज़ आए, जब बच्चे की शोर आए तो मैं उसको एडिट कर दूँ। मैं वो डेफिनेटली कर दूँगा, ठीक है। तो बहुत सारी खबरें होने वाली हैं, तो स्टे ट्यून, बहुत मज़ेदार वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली खबर को, सैमसंग S20 अल्ट्रा का अक्टूबर का सिक्योरिटी अपडेट जो आ चुका है। जिनके पास भी सैमसंग S20 अल्ट्रा है, S20 सीरीज के मोबाइल हैं, वो जाके अपना सिक्योरिटी पैच अपडेट करें और जिंदगी के मज़े लें। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो मी की तरफ से, मी 10T जो है वो लॉन्च होना कंफर्म हो चुका है 15 अक्टूबर को इंडिया में। तो जो भी लोग वेट कर रहे थे फैंस, उनके लिए धमाकेदार खबर है। अगली जो खबर है वन प्लस की तरफ से निकल के आ रही है, वन प्लस बड्स 2 जो है वो लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में वन प्लस 8T के साथ ही। आप सबको पता है वन प्लस 8T कब लॉन्च होने वाला है, राइट। तो अब ये वन प्लस जो बड्स 2 है ना, ये वन प्लस बड्स जो 5,000 रुपये के थे, 4,990 रुपये के, ये उनसे कम प्राइसिंग होने वाला है। ये उन लोगों के लिए है प्राइसिंग जो लोग 5,000 रुपये खर्चना अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक मी। मैं जानता हूँ मैंने लिए थे, बट मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि आप लोगों को रिव्यू देना था, अदरवाइज़ मैं भी नहीं ले पाता वो। ओके, सो वन प्लस से हम बहुत खुश हैं कि वो ऐसे लोगों के लिए भी सोच रहे हैं जो कम प्राइस में खर्चना चाहते हैं। सो थम्स अप टू वन प्लस। तो गाइस, अगली जो खबर है वो इन्फिनिक्स हॉट 10। इन्फिनिक्स हॉट 10 जो आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है, उसमें 5200mAh की बैटरी है, क्वाड कैमरा है उसमें, मीडियाटेक का G70 का प्रोसेसर है, 6GB इसमें तो रैम है। एंड ये सभी की सभी चीज़ें आपको 9999 में मिलने वाली है, मतलब 10,000 रुपये से अंडर। और इसकी जो सेल है वो 16 अक्टूबर से शुरू है। अगर आपको परचेज करना होगा तो 16 अक्टूबर को आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। तो अगली जो खबर है यार गूगल पिक्सल 5 की है, एंड मैं ये इसलिए ऐड कर रहा हूँ, आई नो काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट कल मैंने Q&A में अमन सोनी को मैंने गलती से बता दिया था कि Google 5 इंडिया में शायद से आएगा, बट आई एम रियली सॉरी अमन सोनी, मेरे को याद था कि मैंने कुछ बताया गलत, तो मैं उसके लिए अपॉलॉजी फील करता हूँ। Google 5 जो वो इंडिया में नहीं आएगा, Google 4a इंडिया में आ रहा है, सो आई एम फीलिंग अपॉलॉजी फॉर दैट। ओके, एंड अगली खबर में बढ़ते हैं, वो भी गूगल की है। गूगल पिक्सल जो 4a इंडिया में आने वाला है, उसका जो प्राइसिंग है वो अमेजोन पे अनऑफिशियली लिस्ट हो चुका है, काइंड ऑफ लीक है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है $349 का गूगल पिक्सल 4a ये लॉन्च हुआ है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 26,000 रुपये का, बट अमेजोन पे जो लिस्ट हुआ है ना, आपके सुन के होश उड़ जाएंगे। होश क्या उड़ जाएंगे, वैसे तो पता ही होता है कि इंडिया को तो सब लूटने आते हैं, वाह मोदी जी वाह। सो इंडिया में जो लॉन्च होने वाला है वो है 56,500 रुपये के अंडर। हाँ, 26,000 वाला मोबाइल 56,000, 30,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इस मोबाइल के अंडर। तो अगर लेना है तो ले लेना, वैसे गूगल पिक्सल के कैमरा बहुत मस्त होते हैं एंड DSLR क्वालिटी वाले। सो अगली जो खबर निकल के आ रही है वो है पोको C3 के स्पेसिफिकेशन, वो सारे के सारे लीक हो चुके हैं। स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप होने वाला है, और उसमें जो मेन कैमरा होगा 13 मेगापिक्सल का होगा, और 5000mAh की इसमें बैटरी होगी, और ये बिल्कुल सिमिलर होगा Redmi 9C से। एंड इसमें 4GB का रैम जो मिनिमम वेरियंट होने वाला है, और इसमें जो प्रोसेसर है वो MediaTek का हीलियो G35 SoC होने वाला है। एंड इस प्राइस रेंज में अगर 4GB रैम देते हैं, सो आई थिंक ये 10,000 से तो नीचे होगा ही, बट जितना कम प्राइस होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं कितना क्या पोको लेकर आता है, आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि रंग बिरंगे से फ़ोन है, बहुत ज़्यादा लोग जनता लेगी रंग बिरंगे फ़ोनों के लिए। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है वो रियलमी की। रियलमी आपको पता है भाई, रियलमी और रेडमी में जो घमासानी चल रहा है ना, हम सभी कस्टमर्स को उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो हम लोग तो मज़े से देख रहे हैं क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा है और क्या गज़ब की प्राइसिंग में आ रहा है। दोनों में कम प्राइस में बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट लाने का जो कंपटीशन चल रहा है, हैट्स ऑफ टू डेट। तो इससे हमें लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को उल्टा फ़ायदा है, क्योंकि ये चीज़ें आएंगी हमारे लिए और हमें कम प्राइस में ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सो एंजॉय द फाइट। तो रियलमी की तरफ से जो खबर आई है ना पहले, वो है 125W के चार्जर पर वर्क कर रहा है रियलमी इंडिया में लॉन्च करने के लिए। जैसे अभी जो रेडमी का MI 10 था वो बाहर लॉन्च हुआ ना, ग्लोबली लॉन्च हुआ, इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ, बट रियलमी इंडिया में काम कर रहा है। सो लेट्स सी, रेडमी भी देखा देखी में लेके आता है नहीं, बट रियलमी की तरफ से कंफर्म है कि 125W चार्जर पे काम कर रहा है। अगली खबर भी रियलमी की तरफ से है। रियलमी के जो 7 अक्टूबर को, मतलब परसों, जो भी प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होने वाले हैं उन सब की एक लिस्ट निकल कर आई है, और लिस्ट अगर मैं पढ़ के बताऊं आपको, सबसे पहले तो Realme 7i 90Hz डिस्प्ले के साथ ही इनका ये लॉन्च होने वाला है, काफ़ी इनके टीजर वीजर चल रहे हैं। अगली जो है वो है Realme का 7 Pro किस्ड लेदर एडिशन के साथ आने वाला है। आपको ऑलरेडी पता है दो भी
ब्लू और कोई सिल्वर सा कुछ एडिशन है ना ऑलरेडी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। एंड सच कहूँ तो मैं पॉलीकार्बोनेट बॉडी को अवॉइड करने के लिए वो फ़ोन नहीं ले रहा था, बट अगर ये लेदर एडिशन आता है एंड ठीक प्राइस रहा तो मे बी आई कैन परचेज दिस। इफ़ यू वॉन्ट तो आप भी ले लेना, ठीक है। और अगला जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है इनका वो है रियलमी SLED 4K स्मार्ट टीवी। SLED के अंदर पहली बार 4K लेकर आ रहे हैं इंडिया में रियलमी, तो ये फर्स्ट टीवी होने वाला है इनका, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ऐसा इनके बैनर पे भी लिखा है। तो अगला जो है वो है इनका रियलमी बड्स का प्रो। ऑलरेडी रियलमी के बड्स दो ऑलरेडी आ चुके हैं और रियलमी बड्स प्रो कुछ इस तरह होने वाले हैं, कुछ स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। एंड अगले जो प्रोडक्ट हैं वो रियलमी बड्स वायरलेस नेक बैंड हैं उनके, वो भी प्रो इंडिया में लॉन्च होंगे। एंड अगला जो है 100 वॉट का स्पीकर इंडिया में ये लेकर आने वाले हैं, 7 अक्टूबर को वो भी लॉन्च होगा। रेडमी का तो ऑलरेडी स्पीकर बार था ही, इस बार रियलमी भी लेकर आ रहा है, कह रहा हूँ ना घमासान टक्कर। और एक और घमासान युद्ध के लिए रियलमी उतर रहा है कैमरा में भी, सिक्योरिटी कैमरा भी 7 अक्टूबर को लॉन्च होंगे। तो 7 अक्टूबर को बहुत सारा जो है ड्रामा सब कुछ लॉन्च होने वाला है, तो मुझे लगता है उस दिन स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी कि रियलमी का क्या क्या कैसे कैसे लॉन्च हुआ है। एंड आई विल डेफिनेटली रिएक्ट दैट टू कि क्या कैसे क्या लेना सही रहेगा यानी, ओके। तो अगर उस वीडियो के लिए भी ट्यून रहना तो सब्सक्राइब कर देना। और इतना बोल रहा हूँ, इतनी न्यूज़ है, अभी आधी न्यूज़ हुई है। इफ़ यू रियली लाइकिंग माई वीडियो ऑफ दिस टेक्निक लाइक करो यार, लाइक के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ब्रो, मैंने की है मेहनत। तो गाइस अगली जो खबर निकल के आ रही है वो OnePlus 8T की तरफ से। OnePlus 8T का प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन जो लीक हो चुके हैं, एंड स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता ही ऑलरेडी 120Hz की डिस्प्ले है, 6.55 इंच का उसमें फ्लूइड एमोलेड का डिस्प्ले है, ये तो सभी को पता है। एंड इसके अलावा जो चीज़ें लीक हुई है वो है रियर कैमरा, 48 का मेन कैमरा, 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और 2+2 कैमरा है, मतलब मैक्रो और मोनोक्रोम के नाम से कोई कैमरा है। और फ्रंट कैमरा है थोड़ा एक्साइटेड, फ्रंट कैमरा जो इनका वाइड एंगल कैमरा होने वाला है जो OnePlus ने आर्टीज किया है, 16 मेगापिक्सल का होगा बट वाइड कैमरा, ड्यूल कैमरा नहीं होगा, सिंगल कैमरा में वाइड एंगल देंगे ये, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। और 65W का चार्जर है, 15 मिनट में पता ही आपको पूरा दिन चार्ज, ये सब ऑलरेडी ये टीज काफ़ी कुछ कर चुके हैं, हाइप काफ़ी क्रिएट करते हैं OnePlus वाले, खेलते हैं हमारे दिमाग से। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग जो इसकी 40,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच में होने वाली है। अब इनको OnePlus 8 Pro से कम ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज इनका OnePlus 8 Pro तो बिकेगा बहुत, ये OnePlus 8T नहीं बिकने वाला, तो इनको कम ही रखनी पड़ेगी आई थिंक। सो 40 से अगर ये स्टार्ट करते हैं तो 40 वाला जो बेस वेरियंट है वो आपको सेल वेल पे वही 37,000-38,000 रुपये का मिल जाता है। सो स्टे ट्यून फॉर डैट टू, मैं वो भी आपको खबर देता रहूँगा। तो भाई अगली जो खबर निकल के आ रही है वो वोडाफोन आइडिया, मतलब VI जो भी हो चुका है ना VI, तो VI की तरफ से जो खबर है जो टैरिफ प्लान है ना यार वो उनको इंक्रीज़ करने की बात चल रही है, मतलब इन लोगों में कि टैरिफ प्लान जो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ऑलरेडी अभी 700 रुपये में 3 महीने का तो हो गया था ना, 699 में, सो आई थिंक और कॉस्टली होने वाला है। ये क्यों होने वाला है, क्योंकि यार आप लोगों को पता है ना इनको इक्विटी टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करना है 25,000 करोड़ रुपये का, सो कहाँ से वसूलना है, हमसे ही वसूलेंगे भाई, अब हमें देना पड़ेगा। सो इफ़ यू वॉन्ट BSNL में जाकर शिफ्ट कर लो भाई, 365 में पूरे साल का नेट है, 2 GB पर डे इफ़ यू वॉन्ट डैट, बाकी लूटने वाले तो लूटते ही रहेंगे यार। अगली खबर जो निकल के आ रही है मोटो रेजर 5G की है। मोटो रेजर 5G लॉन्च हो चुका है, 12 अक्टूबर से उसकी सेल है एंड उसका प्राइस जो 1,24,999 रुपये, 1,25,000 रुपये के करीब रखा गया। जिसको लेना है ले लेना, और ये रिकमेंडेड फ़ोन नहीं है, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनिशियल स्टेज पे है अभी, ऐसा कुछ फाइनल पे नहीं है कि हाँ लेके आप क्लेम कर सको और रफ एंड टफ यूज़ कर सको, तो लेने लायक नहीं है, बट हाँ ज़्यादा पैसा है तो खर्च लो यार, और मुझे बता देना कमेंट में कि मैंने लिया है भाई। अगली खबर निकल गया नोकिया की तरफ से। नोकिया के भी स्मार्ट टीवी जो लॉन्च करने वाला है 32 इंच से लेकर 50 इंच तक, ये कल लॉन्च होने वाला है, मतलब 6 अक्टूबर को, सो स्टे ट्यून क्या कैसा टीवी आता है, ओके। अगली खबर निकल के आ रही है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो A15 बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, ये रियलमी का जो C3 समथिंग आया था ना तो काइंड ऑफ उसी की तरह का है, इसमें 10 वॉट का चार्जर है, 4100mAh की इसमें बैटरी है एंड 3.5mm जैक का होगा इसमें। एंड ओप्पो का पहले भी बहुत सस्ते फ़ोन आए थे, बट अपने ही ब्रांड को पता नहीं क्यों टक्कर देने के लिए ओप्पो लेके आ रहा है रियलमी को, रियलमी चल तो रहा है उनका, बट चलो ला रहे हैं तो कोई बात नहीं, एलिगेंट दिख रहा है बट देखने में। सो गाइस अगली खबर निकल के आ रही है OnePlus 7 की सीरीज जो भी मोबाइल थे उनके भी सिक्योरिटी अपडेट पैचेस आ चुके हैं, तो जो भी OnePlus के यूजर्स हैं वो जाके डाउनलोड कर लो, वहीं डाउनलोड्स में आता है आपका, अगर नहीं मिल रहा है आपको तो थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि सभी को एकदम से नहीं जाता है OnePlus का, पता ही आपको सभी को एक टाइम पर नहीं भेजता है, कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा। सो अगली जो खबर है वो कुछ इस तरह की है, मास्क इमोजी जो है आईफोन्स में वो आ चुकी है एंड वो कुछ इस तरह की दिखती है, खबर नहीं है ये एक
काइंड ऑफ फन था तो मैंने कहा शेयर कर दूं आईफोन लवर्स के लिए भी। सो ये कुछ अलग से इमोजी है, और आप लोगों ने अगर गौर किया होगा सो ये मास्क कुछ मेरे आइकन आपने देखा होगा अगर नीचे चैनल आइकन, तो कुछ उसी तरह का है। मैं कह सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ कि इन्होंने मुझसे चुराया, बट क्लेम क्या करना है यार, सभी लगाते हैं, कहाँ से भी चुराया होगा। अगली खबर निकल के आ रही है आईफोन यूजर्स के लिए। अब आप यूट्यूब जो है वो पिक्चर इन पिक्चर आईफोन में प्ले कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी पेइंग प्रीमियम मेंबरशिप। वो प्रीमियम मेंबरशिप देनी पड़ती है ना पिक्चर एंड पिक्चर के लिए। और इसकी एक ट्रिक है बट, ठीक है, जो लीक हुई है, आपको ऐप में नहीं चलाना है, आपका सफारी ब्राउजर हो या फिर क्रोम ब्राउजर हो, इन दो ब्राउजर्स में आपको चलाना है। एंड जैसे ही वीडियो प्ले होगा होम बटन दबाएंगे, बटन क्या वो होम पे जाएंगे स्वाइप करेंगे तो पिक्चर इन पिक्चर पे एज ए प्ले होना शुरू हो जाएगा विदाउट एनी मेंबरशिप। सो ये जस्ट खबर बहुत फैल रही थी, मैंने कहा मैं भी बता दूँ। अगली खबर निकल के आ रही है सोनी का 8K टीवी जो लॉन्च हो चुका है, जो कि है कोई Z8H, और उसका प्राइसिंग आप सुनोगे ना, सुनाओ, सुनी लोगे, 13,99,990, 14 लाख रुपए का टीवी है। है किसके पास पैसे तो मुझे तो कमेंट में बता देना, और जो नहीं ले सकता वो भी बताना कि क्या पैसा होता तो वो लेते ये सब या नहीं। अगली खबर जो निकल के आ रही है फ्लिपकार्ट एंड पेटीएम आर गोइंग टू ज्वाइंट। ना ना, वैसे नहीं ज्वाइन होने वाला फ्लिप, ऐसा मतलब पार्टनरशिप वाला नहीं। अभी जो बिग बिलियन डे सेल है ना, उनके ऑफर्स के लिए कुछ ज्वाइन वाइन करने लगे हैं कि हाँ पेटीएम से पे करो या कुछ भी ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ रहेगा। सो गाइस, अगली खबर जो निकल के आ रही है वो व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप में वो जो म्यूट वाला ऑप्शन था ना, जिसमें आप चैट को म्यूट कर सकते थे, ग्रुप को म्यूट कर सकते थे, एंड उसमें मैक्सिमम 365 डेज का ही बताता था, एक साल तक आप कर सकते हो, अब वो ऑलवेज ऑन म्यूट का भी ऑप्शन उसमें आने वाला है। क्योंकि सडनली क्या होता है कि एक साल बाद आपको याद नहीं रहता और वो फिर एकदम से मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, तो ये उनके लिए फीचर है कि कुछ म्यूट ही रखना चाहते हैं उस ग्रुप को। और मेरे भी काफ़ी ऐसे ग्रुप्स हैं, मैं म्यूट ही रखता हूँ उन्हें, जस्ट लाइक फैमिली ग्रुप्स, क्योंकि उसमें तो जय माता दी भक्ति वो सब बरसती है। तो बट हाँ, इसमें भी एक कौन है, आईफोन यूजर्स के लिए नहीं है, तो जो आईफोन यूजर्स उछल रहे थे उनके लिए नहीं है ये ओनली फॉर द एंड्रॉयड यूजर्स है। तो गला सुखा दिया भाई लोगों, इतनी न्यूज़ थी आज की। ये बोतल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मिल्टन की है, ले लेना, मैं तो इसी से पानी पीता हूँ। ओवर द नाइट पानी रखो और इससे पानी पियो। तो गाइस, यही थी मेरी वीडियो आज की। होप आपको मेरा ये टेक न्यूज़ पसंद आया होगा, और रोज टेक न्यूज़ आने वाली है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब तो पहले कर ही लो, सब्सक्राइब के साथ वो घंटी भी दबा लो ताकि टेक न्यूज़ आते ही आप देख सको। और हाँ गाइस, जो भी मुझे कमेंट करेगा मैं डेफिनेटली उसको कल से, मतलब आज की वीडियो में जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको डेफिनेटली कल फीचर करूँगा, कि बताऊँगा कि हाँ मेरा ये बेस्ट कमेंट ऑफ द डे था, ठीक है, और मैं डेफिनेटली उसको फीचर करूँगा, चाहे वो एक कमेंट हो चाहे 10 कमेंट हो, मैं डेफिनेटली नाम यहाँ फीचर करूँगा। तो होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। Have a great day, guys.